गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, मैं आज आपके सामने लाई हूँ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट सेकंड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यूएनओ के उद्देश्यों, लक्ष्यों, सदस्यता, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। बच्चों, आज हमारा विद्यार्थियों टॉपिक है यूएनओ के अंग। यूएनओ के बच्चों छह अंग है। कितने अंग है? छह अंग है। उसमें पहला अंग है बच्चों महासभा। क्या है? महासभा। तो आज अपना जो टॉपिक है बच्चों, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी, वो है आपका महासभा। महासभा यूएनओ का एक महत्वपूर्ण जो अंग है वो माना जाता है। महासभा के क्या क्या पावर है, महासभा को किन किन नामों से जाना जाता है, इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों। तो देखिए, महासभा, महासभा के बारे में कहा जाता है जैसे भारत में व्यवस्थापिका है, वैसे ही विश्व की व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। किसको? महासभा को, विश्व की व्यवस्थापिका के नाम से महासभा को जाना जाता है। महासभा की अगर हम बात करें तो शुमा ने कहा कि जो महासभा है उसे संसार की नगर सभा के नाम से भी जाना जा सकता है। तो शुमा ने इसे संसार की नगर सभा के नाम से संबोधित किया। उसके बाद आता है आईकेल द्वारा। आईकेल ने कहा कि ये विश्व का अंतःकरण है। विश्व का अंतःकरण किसको कहा? महासभा को कहा। और बाडेनबर्ग ने महासभा को लघु संसद के नाम से पहचाना। लघु संसद कहने वाला था वांडेनबर्ग, और आईकेल ने अंतःकरण कहा और शुमा ने इसे नगर सभा के नाम से संबोधित किया। अब बात आती है महासभा में कौन कौन होते हैं। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, महासभा में प्रत्येक देश, महासभा में प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश जो है वो इसका प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक देश जो कि यूएनओ का मेंबर होता है वह महासभा का भी सदस्य माना जाता है। मतलब यहाँ पर यह है कि यूएनओ के 193 सदस्य हैं, तो महासभा के भी सदस्य राष्ट्र कितने हैं? 193 सदस्य राष्ट्र होंगे। तो प्रत्येक देश जो है इसका सदस्य माना जाता है। किसका? महासभा का। अब बात आती है कि जो महासभा है उसमें प्रत्येक जो सदस्य है वो क्या कर सकता है वो देखते हैं बच्चों। देखिए, महासभा की बात करें तो महासभा में प्रत्येक देश को शामिल किया जाता है। प्रत्येक देश अपना प्रतिनिधि महासभा में भेजता है। प्रत्येक देश अपना अधिकतम 5 प्रतिनिधि महासभा के अधिवेशन में भेज सकता है। बच्चों, कितना भेज सकता है? 5 प्रतिनिधि जो है भेज सकता है। और लेकिन प्रत्येक देश का 1 वोट माना जाता है। मतलब साफ ये है कि प्रत्येक देश यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि प्रत्येक देश 5 जनों को प्रतिनिधि बना करके लेके जा सकता है, लेकिन प्रत्येक देश का 1 ही वोट माना जाता है। विश्व की नगर सभा, विश्व की व्यवस्थापिका के नाम से संबोधित है आपकी महासभा। अब बात करते हैं कि महासभा का जो सत्र होता है वो कब आयोजित होता है। तो ध्यान रखना बच्चों कि महासभा का सत्र हर साल सितंबर में, सितंबर का जो महीना आएगा उसमें हर साल जो है महासभा के अधिवेशन का आयोजन होता है। प्रत्येक देश अपना 1 प्रतिनिधि महासभा के इस अधिवेशन में भेजता है। और सितंबर के तीसरे मंगलवार को, सितंबर के तीसरे मंगलवार को किसका अधिवेशन होता है? महासभा के अधिवेशन का आयोजन किया जाता है बच्चों। तो महासभा के अधिवेशन का आयोजन सितंबर के तीसरे मंगलवार को होता है। प्रत्येक देश अपना
अपने 5 प्रतिनिधि ला सकता है, लेकिन प्रत्येक देश जो है उसका 1 वोट इस अधिवेशन में माना जाता है। बच्चों, अब बात आती है कि महासभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए सभापति भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है और कई प्रकार की समितियों का गठन भी महासभा के अंतर्गत किया जाता है। बच्चों, तो महासभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए एक सभापति होता है। सभापति का चुनाव महासभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं, उपाध्यक्ष का चुनाव भी अपने में से ही करते हैं। तो महासभा के जो प्रथम सभापति बने थे वो बेल्जियम के बने थे, पॉल स्कूप। कौन बने थे बच्चों? पॉल स्कूप को पहला सभापति बनाया गया था। किसका? यूएनओ का। और ध्यान रखना बच्चों, 8वें सभापति के रूप में या 8वें अध्यक्ष के रूप में हमारी भारत की विजयालक्ष्मी पंडित को, किसको? विजयालक्ष्मी पंडित को यूएनओ का क्या बनाया गया था? महासभा का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखना है बच्चों आपको कि महासभा जो थी, महासभा का पहला सभापति बेल्जियम के पॉल स्कूप थे और 8वें अध्यक्ष विजयालक्ष्मी पंडित थी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि महासभा जो थी वो विश्व की नगर सभा के नाम से संबोधित की जाती है। हर साल सितंबर के 3rd मंगलवार को इसके सत्रों का आयोजन होता है। अब बात आती है कि ये जो महासभा है वो कौन कौन से कार्य करती है। तो ध्यान रखना बच्चों, पहला काम करती है निर्वाचन और नियुक्ति से संबंधित। तो ध्यान रखना है महासभा किन किन का निर्वाचन करती है वो देखिए बच्चों। निर्वाचन संबंधी में ध्यान रखना, आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य भी महासभा करती है। किसी को यूएनओ की सदस्यता लेनी है, यूएनओ की सदस्यता का काम भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन करता है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन करता है? महासभा करती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य भी कौन करती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य भी कौन करती है? आपकी महासभा करती है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थाई सदस्यों का चुनाव भी कौन करता है? आपकी महासभा करती है। तो ध्यान रखना बच्चों, निर्वाचन इसके अलावा कई प्रकार की नियुक्ति भी करती है। जैसे इसमें स्थायी समितियां होती है, तो स्थायी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति करने का कार्य भी महासभा के द्वारा किया जाता है बच्चों। तो आर्थिक व सामाजिक परिषद जो कि यूएनओ का एक अंग है, उनके सदस्यों की नियुक्ति का कार्य महासभा करती है। इसके अलावा यूएनओ को किसी भी देश के द्वारा यूएनओ की सदस्यता ग्रहण करनी है तो महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। उसमें सुरक्षा परिषद की सिफारिश भी लागू होती है, क्योंकि 5 जो वीटो पावर वाले देश है उनका भी क्या होना चाहिए, उनकी सिफारिश के आधार पर किसी भी देश को यूएनओ की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। अब उसके बाद आता है बच्चों, सुरक्षा परिषद के 10 अस्थाई सदस्यों का चुनाव। सुरक्षा परिषद भी यूएनओ का एक अंग है, उसमें 2 सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। तो जो अस्थायी सदस्य है उनका चुनाव भी महासभा के द्वारा किया जाता है।
इसके अलावा स्थायी समितियां जो कि महासभा में है उनकी नियुक्ति का कार्य भी महासभा के द्वारा किया जाता है। तो ये नियुक्ति और निर्वाचन से संबंधित शक्तियां हैं किसकी? महासभा की। दूसरा आता है शांति व सुरक्षा। देखो विद्यार्थियों, महासभा में प्रत्येक देश अपना प्रतिनिधित्व करता है। महासभा की बैठक में शांति और सुरक्षा से संबंधित जितनी भी संधि और समझौते होते हैं वो महासभा के अंदर किए जाते हैं। सदस्य राष्ट्रों को शांति और सुरक्षा कायम रखने, किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करने, हर देश की संप्रभुता की रक्षा करने की शपथ जो है यूएनओ के चार्टर में दिलाई जाती है। और महासभा के सदस्यों में से अगर कोई भी शांति और सुरक्षा का उल्लंघन करता है तो उस सदस्य राष्ट्र की सदस्यता को निलंबित कर दिया जाता है। तो महासभा के द्वारा बच्चों शांति व सुरक्षा का कार्य भी किया जाता है। फिर है यूएनओ के चार्टर में शांति और सुरक्षा, संधियां एवं समझौते में आदर की भावना, ये सारी बातें, भय और सुरक्षा के वातावरण से इस संसार को बाहर निकालना, ये सारी बातें चार्टर में लिखी हुई है। तो यूएनओ के चार्टर में जितने भी अनुच्छेद हैं, मैंने बताया था यूएनओ के चार्टर में कितने अनुच्छेद है बच्चों? 111 अनुच्छेद। तो ये 111 अनुच्छेदों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो महासभा के 2/3 बहुमत से क्या हो जाता है? संशोधन हो जाता है। तो संशोधन करने के लिए भी महासभा की आवश्यकता होती है, बशर्ते उसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है। बट चार्टर में संशोधन का पावर महासभा के पास होता है। उसके बाद है निरीक्षण कार्य। देखो आपको पता है विद्यार्थियों, यूएनओ के जो 5 अंग है उनकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण, प्रवेक्षण और मूल्यांकन करने का कार्य भी महासभा के द्वारा किया जाता है। जितनी भी समितियां हैं, जितने भी संगठन हैं, उन सब का निरीक्षण, प्रवेक्षण और नियंत्रण करने का कार्य महासभा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों बजट। सदस्य राष्ट्र जिन्होंने यूएनओ में अपनी क्या डिसाइड कर रखा है, अपनी परसेंटेज बना रखी है, उन सभी राष्ट्रों से अपने हिस्से का पैसा लेना, इसके अलावा यूएनओ की महासभा में बजट प्रस्तुत करवाने का कार्य भी महासभा के द्वारा किया जाता है। तो महासभा में ही बजट प्रस्तुत होता है, किस देश से कितने मनी लेना है ये सारी बातें महासभा के अंदर ही डिसाइड होती है। उसके बाद आती है समितियां। महासभा के द्वारा में विभिन्न प्रकार की समितियां होती है, जैसे कि पहली है आपकी राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति, दूसरी है आपकी आर्थिक व वित्तीय समिति, तीसरी है सामाजिक मानवीय और सांस्कृतिक समिति, चौथी है न्यास समिति, पांचवी है प्रशासनिक समिति और वित्त समिति, और छठी है आपकी विधि समिति। इन 6 समितियों के अलावा बच्चों एक महासमिति का गठन भी किया जाता है। तो इस प्रकार इन समितियों की संख्या है 7। 6 ये समितियां हैं और इन समितियों के ऊपर एक महासमिति का निर्माण भी किया जाता है। तो महासमिति और इन समितियों के बाद देखो विद्यार्थियों कि महासभा आज जो कि विश्व की नगर सभा है, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब 1945 में जब यूएनओ का गठन किया गया, उस समय सबसे ज्यादा पावरफुल था सुरक्षा परिषद। यूएनओ का कौन सा? सुरक्षा परिषद। लेकिन 1945 के बाद विश्व राष्ट्रों में कहीं ना कहीं क्या आ गया था? विश्व राष्ट्रों में
झगड़े और विवाद बढ़ते जा रहे थे और सुरक्षा परिषद उसका निपटारा नहीं कर पा रही थी, या सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य थे वो अपनी मनमानी कर रहा था। रूस हर महासभा के प्रस्ताव पर अपना विरोध जाहिर कर रहा था। तो रूस के इस प्रकोप से बचने के लिए महासभा ने 1950 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसका नाम है, बच्चों या विद्यार्थियों, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। मान लो कोई सदस्य राष्ट्र एक यूएनओ के चार्टर का उल्लंघन करता है या किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता है, शांति को भंग कर रहा है, तो महासभा के सदस्य सामूहिक कार्यवाही के द्वारा सेना भेज सकते हैं। शांति का एकता प्रस्ताव के माध्यम से सामूहिक कार्यक्रम के द्वारा सामूहिक सेना का गठन करके उस देश के विरुद्ध सेना भेज सकते हैं। ये प्रावधान 1950 में का किया गया। उसके बाद महासभा की महत्ता बढ़ गई विद्यार्थियों, क्योंकि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने वीटो पावर का प्रयोग करके महासभा की जो सम्मान था उसको कम कर दिया था। लेकिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो कि 1950 में आया, उसने क्या कर दिया, उसने महासभा की इमेज को और ज्यादा बढ़ा दिया था। इसी तरह विद्यार्थियों ध्यान रखना है, 2000 में एक लक्ष्य आया था उसका नाम था सहस्त्राब्दी लक्ष्य 2002 में लाया गया और इसमें 8 लक्ष्य बनाए गए और कहा गया कि 2015 में इन 8 लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। तो महासभा में ही इस प्रकार के प्रस्ताव लाए गए थे। और ध्यान रखना बच्चों, महासभा का जो 70वां अधिवेशन हुआ, इस 70वें अधिवेशन में जो कि 2015 में हुआ, इसमें एजेंडा 2030 बनाया गया और इस एजेंडा 2030 के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी बच्चों कि एजेंडा 2030 के 17 लक्ष्य महासभा के द्वारा 70वें अधिवेशन में निर्धारित किए गए। अब धीरे धीरे अधिवेशन होते जा रहे हैं। अब जो अधिवेशन हो रहा है उसके अंदर जो है, अब सितंबर माह में जो अभी चल रहा है अपना, इसी माह में यूएनओ की महासभा का अधिवेशन होने वाला है विद्यार्थियों। तो इन सब की ताजा जानकारी के लिए मेरे नव भारती स्टडी सर्कल से जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको न्यू अपडेट न्यूज देती रहूं और महासभा से संबंधित जो अपडेट है वो मैं आपको लगातार देती रहूं। तो आज हमने पहला अंग महासभा के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियोस में हम सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते रहिए नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को। धन्यवाद।